सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन मैं चैनल से, प्रोडक्शन हाउस से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सभी को इंसान पार्टनर दिए, मुझे मक्खी दे दी। और ये कोई मामूली मक्खी नहीं है, इसको अभी हम लोगों ने शूट किया है तो एक बार में आती नहीं है। जैसे मक्खी को उड़ाओ तो एक बार में उड़ती नहीं ना, वैसे ये भी तीन बार बुलाना पड़ता है। मक्खी आ जाओ, दीपिका आ जाओ, बेटर बुलाया। मिलिए दीपिका के लिए। आज मक्खी कचरे के पे बैठ गई है, जोरदार तालियां हो जाए। मिलिए कलर चैनल की भूतपूर्व बहू से। भूतपूर्व, वो जो भूत उधर से उठ के आया ना, उसको बोलते भूत। एनीवेज, हाय, आई एम दीपिका, दीपिका कक्कर। ये लो, इनको बताइए, आपकी दूसरों के नाम रख लेने से कोई स्टार नहीं बनता है। व्हाट डू यू मीन दूसरों के नाम? अरे दीपिका पादुकोण का दीपिका ले लिया, नेहा कक्कर का कक्कर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ना शक्ल अच्छी है ना आवाज। फर्स्ट क्लास शो पे सेकंड क्लास कॉमेडियंस के साथ परफॉर्म करने वाले थर्ड क्लास आदमी, मैं यहाँ एंटरटेनमेंट की रात में परफॉर्म करने आई हूँ। अच्छा, परफॉर्म करने? ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, परफॉर्म करने। वैसे चलो ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, परफॉर्म करके बताओ। हाँ तो नहीं, एक काम करो, आप परफॉर्म करने आने उधर मुंह करो। हाँ, और दफा हो जाओ। तमीज से बात करो। मैं अपने शो में लीड थी। अच्छा, लीड थी, गधे की घोड़े की? लीड नहीं, लीड। अच्छा, लीड। ससुराल सिमर का मैं मेन रोल। अरे हाँ, ससुराल सिमर का, वो जिसमें आप मक्खी बनती थी। अरे मैंने जैसे ही इस शो में बलराज को देखा, मुझे पता था आप आएंगी। जहाँ गंदी चीजों की वहाँ मक्खी तो आएगी। नहीं लेकिन सच्ची बोलूं, वो सीरियल कमाल का था। हाँ ना, और जैसे ही सीरियल शुरू होता था ना, मेरी बीवी ऐसे टीवी से चिपक जाती थी। इतनी बड़ी फैन थी मेरी। नहीं नहीं, बोलती थी देखने नहीं दूंगी किसी को ऐसा इलॉजिकल सीरियल। बहुत अच्छे, चुप। सब पूरी मीडिया बैठी है, मेरी इतनी भी बेइज्जती मत करो, मैं टैलेंटेड भी हूँ। अच्छा, टैलेंटेड हो? हाँ। तो चलो हंसा के दिखाओ। नहीं प्लीज, हंसाओ। अरे ऐसा मत करो ना, मैं भी तो रघु की तरह ही हूँ। अच्छा, अंदर से टकली हो? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे भी हंसाना नहीं आता। अरे यार, इसको हंसाना नहीं आता, रवि को मिमिक्री नहीं आती, आदित्य को कॉमेडी नहीं आती, ये अकेला मुबीन सौदागर क्या क्या करेगा यार। एंटरटेनमेंट की रात है या मुबीन सौदागर की वाट है? अरे चलो, वाट से याद आया, एक और था ना अपने साथ। हाँ, अरे अब मैं उसको बुलाने जा रहा हूँ। सुनो, अगर अच्छे से क्यू देना है शो में, अगर तुम नहीं दोगी ना, मैंने एक दूसरा इंतजाम भी कर लिया है। कौन? अरे दुनिया का सबसे महंगा क्यू आर्टिस्ट है। हाँ चलो, बुला लेता हूँ, करण मेरे भाई। तू क्या हंस रही है बे? क्या कपड़े पहने यार करण? थैंक्स यार। अरे मैं एक्चुअली लंदन गया। अच्छा, लंदन हेड स्टोरी की शूटिंग, लेकिन उसमें कपड़े पहनते हैं, उसमें तो देखा नहीं मैंने। नहीं नहीं, मैंने कहा यार थोड़े मेरे को मतलब है ना। अच्छा, लेकिन इतने सारे कपड़े पहन के आने की क्या जरूरत है? नहीं वो एक्चुअली इस शो में लाइनें तो मिलती नहीं है, कपड़े तो अपने पहन लूं। बहुत अच्छे भाई। मुबीन, ये करण, ये वही है ना जो अभी खतरों के खिलाड़ी हार के आया है। सॉरी रवि, अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना, ये तुम्हारा पार्टनर आ गया तो हारे हुए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना यार। नहीं? मतलब मेरा भाई बहुत टैलेंटेड है, अभी दाढ़ी निकालेगा ना, दो तीन जैकलीन ऐसी गिर जाएंगे। अरे वाह, जैकलीन। ये मतलब कॉमेडियन बदल गए, इनके जोक नहीं बदले। बहुत अच्छे भाई साहब, टैलेंट चाहिए होता है। तीसरा शो है मेरा इनके साथ। अच्छा, चैनल ने कहा था तो शो मांग लो या लाइन है, मैंने कहा चलो शो ही दे दो, पैसे तो आ गए। नहीं, इसी तरह से हम लोग आप लोगों को एंटरटेन करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी उम्मीदें शो से, और मुझे लगता है कि ये शो बहुत ही कमाल का होने वाला है। मैं एक्चुअली कुछ बोलना चाहता हूँ, प्लीज आज हमसे आप बहुत सारे सवाल पूछेंगे, एक सवाल मत पूछना कि इस शो में नया क्या है, क्योंकि जेन्युइनली भाई बहुत कुछ नया है, देख लेना, सच में बहुत नया है। Thank you so much. Thank you, Deepika. Thank you, Mubeen. Thank you, Karan. Huge round of applause for them.
है।